तो यार वक्त हमेशा एक सा नहीं होता, वक्त बदलता रहता है। आज अच्छा है कल बुरा भी हो सकता है, और अगर आज बुरा है तो कल अच्छा भी हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका बेरोजगार आरजे शॉर्टी, और रेडियो पे नौकरी गंवाने के बाद मैं आ गया हूं यूट्यूब पर, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने, आपने बहुत सारे लोगों ने सलाह दी, लेकिन दुख होता है जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, रेडियो पे इतने कमेंट करते थे, यहां पर कुछ नहीं करते। क्या छोड़ो, मेरा तो ये चलता रहेगा रोना धोना, लेकिन आज उस बारे में बात कीजिए जिसके लिए बात करना है। देखो, कहीं फूल खिला है, किसी की जली है, ऑब्वियस है, कहीं शहनाई बजी है तो कहीं फिर से किसी की जली है, मतलब ये काम हो रहा है। अगर आप नहीं, यहां पड़ोसी नहीं जला है, पड़ोसी की बात नहीं करो, पड़ोसी तो हमेशा जलता है, उसका तो काम है, वो तो छोड़ो, मैं सोच रहा हूं इस पे एक गाना बना दूं, पड़ोसी जलता है। खैर, लेटर ऑन उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो तीन चीजें हुई हैं जो इस वक्त ट्रेंडिंग है, आप ट्विटर पे जाओ, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, आप फेसबुक पर जाओ, आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी, युजविंदर चहल, बीजेपी और आशीष चंचलानी। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे युजविंदर चहल की। तो चहल भाई ने कर ली है शादी, जितनी तेज ये क्रिकेट में ओवर डालते हैं ना, उतनी तेजी इन्होंने सारे काम कर दिए गुरु, मतलब फटाफट फटाफट। लॉकडाउन में जब आप अपनी बंदी से मिलने के लिए तरस रहे थे, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड से, ठीक है, थोड़े बहुत शब्द हो जाते हैं इधर उधर, और उसके बाद ना मिल पा रहे थे ना, समझ जाओ, हाँ, उस टाइम पे भाई साहब चहल पाजी ऑनलाइन डांस क्लास में मिले, और डांस क्लास में मिलते मिलते क्या किया, भैया तेरा नाम लिया, मतलब ऐसा काम कर दिया यार, थोड़ी बहुत आरजे की रहेगी, देखो वो अंदर से जाएगी नहीं, सालों से वो कर रहा हूं तो उसको एडजस्ट कर लेना। तो चहल ने डांस क्लास के दौरान, ऑनलाइन डांस क्लास में, उनकी जो वाइफ है धनाश्री, जो वाइफ हो गई है, उन्हें पसंद किया, और बेटे मतलब काम, शादी भी कर डाली। लेकिन ये शादी इतनी गुपचुप हुई, इतनी गुपचुप हुई कि खुद स्पिन के जो उनके बाकी खिलाड़ी ना, वो भी हैरान है, ये सोच के बहुत तेज हो रहे हो, यही बात उनके अंदर से आई बस, और इसके ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो बहुत बहुत बधाइयां चहल पाजी को शादी की, लेकिन ठीक है, अपना काम है, भैया रेडियो पे होते तो भी ऐसे ही करते, तो यहां भी कर लेते हैं, क्या करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें होता है बाल, हाँ समझ जाओ कहां पे बाल होता है, बिल्कुल सही जा रहे हो, उनका बाल उन्हें इतना परेशान करता है कि वो दूसरों की जिंदगी में घुस जाते हैं उंगली करने। अब कौन घुसा, आशीष चंचलानी, बताने की जरूरत नहीं है, मैं काफी टाइम से देख रहा हूं आशीष को, मैं तो अब कुछ कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो बहुत टाइम से कर रहा है और बहुत अच्छा काम करता है। किसी ने बोला कि वो फेक व्यूज खरीदता है, और ये रहा उसका सबूत, मतलब मैं भी दे रहा, मतलब किसी ने ऐसा कहा, बाद में आशीष ने जो कहा उसके ट्वीट जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि भैया क्या कहा। तो आशीष ने कहा कि भाई टैग कर देता, थोड़े बहुत तेरे को फॉलोअर्स मिल जाते हैं, चलता है, इतना तो हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन यार अगर आप कोई भी इंसान हो, अगर आप लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो किसी को नीचे गिराने से क्या मिल जाएगा, मतलब ये तो यार बेकार वाली बात हो गई, मतलब ना तो मैं बनूंगा ना किसी को बनने दूंगा। लेकिन आशीष ने सही कहा कि जनता को पता भैया, ये जनता का प्यार है, जनता प्यार देती है, और जनता ने प्यार दिया है, जनता ने बनाया है, तो बिल्कुल सही बात है वहां पर, ये ट्वीट आशीष के। और भैया अपन तो आशीष के साथ, पता है अपने को भाई काम करता है, जब बंदा मेहनत करता है ना, महीनों प्रिपरेशन करता है या 20 दिन प्रिपरेशन करता है, सबका अलग अलग होता है, कुछ लोग इंस्टेंट कर लेते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है, उस सारे के बाद एक वीडियो बनाता है, उस पे लोग हंसते हैं उन जोक्स पे, उसकी एक सेपरेट ऑडियंस है, उनको वो अच्छा लगता है, तो वो व्यूज उसे मिलते हैं। अब लेकिन जो तीसरे वाले हैं ना, जो तीसरी बात अब मैं करने जा रहा हूं, वो बड़ी खतरनाक है। एक टाइम होता था जब पूरे देश में इसका राज चलता था, समझ रहे हो, हाथ का राज, नहीं समझ रहे, ठीक है नहीं समझ, मेरा गया, लेकिन वो राजपाट गया है छिन, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चीजें गई हैं बदल, लेकिन इतनी बदल जाएंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। मतलब सोच के देखो, गुपकर गैंग भी ये सोच रहा है, सात पार्टियों से अलायंस किया था और फिर भी वोट नहीं मिले। दरअसल मैं बात कर रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर की, जहां पर 370 हटने के बाद जो चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, वहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी सिंगल, जिसने 74 सीटें ली, और उसके बाद गुपकर अलायंस था जिसे काफी सीटें मिली, निर्दलीय थे, लेकिन सबको जोड़ने के बाद भी ना, अगर आप वोट नहीं दे रहे तो यकीन मानो आपने काम नहीं किया बाबू मोशाई, और जब आपने काम नहीं किया तो आपको इनाम कहां से मिलेगा। इन सब बातों से ना महबूबा जी जो है ना, वो सैड हो गई है, वो कह रही है अब हम वो महबूबा नहीं है, नहीं है बिल्कुल वो महबूबा, बिल्कुल भी नहीं है। चलो चलता है भैया, क्या कर सकते हैं, कभी आपका था,
आज आप वैसे इलेक्शन लड़ने वाली है, हाँ आपसे याद आ गया मुझे, आपसे मुझे बड़ा याद आता है। ये आप वो हैं जो कहीं भी घुस जाते हैं, बस कोशिश करते हैं एडजस्ट हो जाओ। देखो भाई, हर कोई आलू नहीं होता, समझो बात को, ठीक है, हर कोई आलू नहीं हो सकता। तो कुल मिला के ये तीनों चीजें आज रही पूरे दिन छाई हुई। अब इसमें क्या बोले, अपना बेचारे हाथ भी परेशान है, गुप्तकर वाले तो गुप्त हो गए हैं, वो नजर आ नहीं रहे हैं, चहल भैया ने मार दिया आखिरकार, जाते जाते साल में जो है बड़ा लंबा सिक्स, और पूरी जिंदगी अपनी नाम कर दिए धनाश्री के, वहां पर उनकी गुगली उन्हीं पे पड़ गई उल्टी। लेकिन इसके बाद क्या क्या उल्टी पड़ेगी वो तो चहल भैया बताएंगे, वो इंस्टाग्राम पे और बताते थे जब तक बेचारा था क्या टिकटॉक, वहां पर बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अब वो बताएंगे कहां बताएंगे ये तो वो डिसाइड करेंगे भाई, उन्हें बताना है कहां बताएंगे। लेकिन आशीष के विरुद्ध जिसने भी मतलब खिलाफ, यार ये इतनी हिंदी ना लिख लिख के और बोल बोल के ना ऐसा हाल हो गया है, तो भैया देखो जलने वाले जलते रहेंगे, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब ठीक है ये लोग ऐसे ही हैं, चलता रहेगा। और उसके बाद बीजेपी इस वक्त भैया फूल खिल रहा है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है यहां तो फूल ही फूल खिला है, फूल ही फूल खिला है। तो अब भैया जो काम करेगा उसको तो माल मिलेगा ना, क्या कर सकते हैं, हर कोई हमारी तरह नहीं होता है ना, क्या ना हम काम करते थे, फिर भी छोड़ो, खैर बीती बातें याद नहीं करना चाहता मैं। तो यार मेरे पास इतना ही था बातों का पिटारा, और ये कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि यार आपका अंदाज थोड़ा सा अलग है, मैंने कहा तभी तो हम दूसरों से अलग हैं, रेडियो वाले यार देखो इतना तो आएगा, बाकी अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो यार। मतलब जब मैं वहां पर आता था ना रेडियो पर, बहुत सारे मैसेज आते थे, कमेंट आते थे, लेकिन यहां पर कुछ नहीं है। किसी ने मुझे बोला कि भाई बहुत कमेंट भाई नहीं मिले हैं, तभी तो बोल रहा हूँ कर दो सब्सक्राइब, कर दो शेयर, यार मतलब ऐसे थोड़ी चलता है, तो शायद आपको और अच्छी चीजें मिलेंगी। मैं बहुत सारी जगह आप लोगों ने मुझे देखा है यार, बहुत सारे चैनल्स पे आया हूं मैं, समझा करो, यहाँ पे भी प्रमोट करो यार, नौकरी छूटी है, मतलब एक आप ही लोग तो सहारा हो, ऑडियंस कोई कमी हो तो बताओ यार, उसे इम्प्रूव करेंगे, लोगों के लिए लिखते हैं और अच्छा करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं, टाटा बाय बाय, चहल भैया को बधाई, और आशीष को यही कहना है कि लगे रहो, जलने वालों की जलाते रहो, कुछ नहीं हो सकता। और हाथ वालों को यही कहना है कि भैया देखो कुछ अच्छा कर लो, कुछ बदलाव कर लो, क्या पता इंसान बदलने से चीजें बदल जाए, पर्सनल मत लेना, देखो हाँ पर्सनल नहीं लेना। तो यार यहीं तक था, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करके बताना, कॉमेंट करके बताना यार क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, यही कहूंगा। बस चलता हूँ, बाय बाय टाटा, ख्याल रखना, चल भैया की तरह फास्ट हो जाओ, सिंगल लौंडो, वरना मेरी तरह रहोगे, समझे, बाय बाय।